भारत सरकार के पास रेलवे, बसों, कारों और हवाई जहाजों का अंबार है, फिर भी प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन मजदूरों को दो दिन के अंदर ही उनके घर पहुंचाया जा सकता है। आइए परिवहन के साधनों पर जरा एक नजर डालते हैं। आम दिनों में एक दिन में भारतीय रेलवे करीब 2,30,00,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, यानी एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाने और ले जाने की क्षमता भारतीय रेलवे में है। भारत में कुल रजिस्टर्ड बसों की संख्या करीब 16,00,000 है। बात करें तो बसों में कितने लोग सफर कर सकते हैं तो यह संख्या होगी करीब 8 करोड़ यात्री प्रतिदिन। ये तब जब हम 50 यात्री प्रति बस मान के चलें। भारत में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या है करीब 25 करोड़। यदि सरकार पब्लिक से एक हफ्ते के लिए 1 करोड़ गाड़ियों को किराए पर ले लेती है और एक गाड़ी में मात्र 2 लोग सफर करते हैं तो भी 2 करोड़ लोगों को एक दिन में उनके घर भेजा जा सकता है। पब्लिक में बहुत से दयावान लोग होते हैं तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि 25 करोड़ लोगों में से कम 1 करोड़ वाहन मालिक इस नेक कार्य में अपनी गाड़ियां सरकार को किराए पर जरूर दे देंगे। कुछ नहीं तो लाखों वाहन मालिक किराए के लालच में ही सरकार को एक हफ्ते के लिए अपनी गाड़ी दे सकते हैं। अकेले ओला कंपनी के 125 शहरों में कुल मिलाकर 2,00,000 कारें हैं। अगर एक कार में 2 पैसेंजर भी बैठते हैं तो कुल 4,00,000 मजदूर प्रतिदिन केवल ओला से ही अपने घर पहुंच सकते हैं। सामान्य दिनों में एक दिन में लगभग 6,300 हवाई जहाज पूरे भारत में उड़ते थे लॉकडाउन के पहले, तो प्रति हवाई जहाज 100 यात्री भी मान लिया जाए तो करीब 6,00,000 दुख दर्द से तड़प रहे मजदूर एक दिन में हवाई यात्रा कर अपने घर पहुंच सकते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, अगर ये सारे उपायों में से मात्र पहला या दूसरा तरीका ही अपनाया जाता है तो भी करीब 10 करोड़ लोगों को एक दिन में ले जाया जा सकता है। अगर थोड़ा दूरी बनाकर भी बिठाया जाए तब भी 6 से 7 करोड़ लोगों को तो बिठाया ही जा सकता है। भारत की प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या 12 करोड़ के करीब बताई जाती है, मतलब 2 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक या उनके गांव तक पहुंचाया जा सकता है। 2 दिन में घर भेजने की ये गणित हम ये मानकर बता रहे हैं कि प्रत्येक मजदूर की यात्रा अवधि 1 दिन की होगी। अगर माना जाए कि 50% मजदूरों की यानी आधे मजदूरों की यात्रा पूरी करने में 2 दिन का समय भी लगता है तब भी सभी मजदूरों को पहले या दूसरे विकल्प के सहज उपलब्ध साधनों से ही मात्र 3 दिनों के भीतर उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। जरूरत तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की व मजदूरों को भी बराबर के इंसानियत के नजरिए से देखने की है। अब आप बताइए कि यह समस्या क्यों नहीं हल हो सकती। जब नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि इस बार कुछ छूट दी जाएगी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की भी छूट होगी, मजदूरों को घर पहुंचाने का कोई खाका सरकार बनाएगी। लेकिन सारे वायदे कॉरपोरेट घरानों, उद्योगपतियों, कॉरपोरेट जगत को तोहफा साबित हुए हैं। ये समस्या कोरोना लॉकडाउन से आगे बढ़कर एक राजनीतिक समस्या बन चुकी है और इसका समाधान भी राजनीतिक ही होना है, और ये राजनीतिक हल मजदूर वर्ग की ओर से ही आएगा। और इस ओर ट्रेड यूनियनों ने एक कदम बढ़ाया है 22 मई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आयोजित करके।